सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आइडियापैड 5 प्रो के ऊपर काफ़ी टाइम पहले मतलब अनाउंस हो चुके थे लैपटॉप्स की आने वाले हैं इस साल, एंड फाइनली लिस्ट हो चुका है इंडिया के लिए। सो इस वीडियो में हम लोग सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, कौन से मॉडल अवेलेबल हुए हैं और इसकी क्या प्राइसिंग हो सकती है। सो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू गाइस लाइक द कंटेंट, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट मी। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके सीपीयू के बारे में। दोनों ही वेरियंट्स लिस्ट हो चुके हैं, इंटेल एंड एएमडी। इंटेल में आपको 11 जनरेशन वाले सीपीयूज मिलते हैं, दो वेरियंट्स अवेलेबल है, i5 एंड i7। एंड गाइस ये दोनों ही सीपीयूज 4 कोर 8 थ्रेड काउंट के साथ आते हैं। और एएमडी में भी आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, 5600H जो कि 6 कोर 12 थ्रेड वाला सीपीयू है, एंड 5800H जो कि 8 कोर 16 थ्रेड वाला सीपीयू है। मतलब इंटेल एंड एएमडी के बीच में कोई कंपटीशन रहा ही नहीं है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मल्टी कोर परफॉर्मेंस। सो जीपीयू की बात कर लेते हैं। इंटेल में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, यहाँ पे आप सिर्फ या तो इंटीग्रेटेड जीपीयू के साथ जा सकते हैं जो कि है इंटेल आइरिस एक्सी, या फिर अगर आपको डेडिकेटेड जीपीयू चाहिए तो MX450 जो कि 2GB वीराम के साथ आता है, ये भी आप ले सकते हैं, बट इसकी प्राइस अराउंड 6,000 to 8,000 रुपीज ज़्यादा होगी। एंड जो एएमडी वाला मॉडल है उसमें आपको सिर्फ इंटीग्रेटेड जीपीयू मिलता है जो कि है एएमडी का रेडियन ग्राफिक्स, एंड दैट परफॉर्म सिमिलर टू दैट ऑफ इंटेल का आइरिस एक्सी। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो ये लैपटॉप कम्प्लीटली एल्यूमिनियम बिल्ड है एंड वेज अराउंड 1.4 kg। सो लाइट वेट है, बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है, काफी कमाल का आपको स्टडी लैपटॉप मिल जाएगा। और इसमें आपको बैकलाइट कीबोर्ड एंड फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, सीपीयू वगैरह काफी सही है। सो इसके डिस्प्ले की बात करते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, 14:16:10 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले है ये, आईपीएस पैनल मिलता है विद एंटी ग्लेयर कोटिंग। सबसे पहला है 2.2K वाला रेजोल्यूशन जिसमें आपको 100% sRGB 300 nits की ब्राइटनेस एंड 60Hz वाला पैनल मिलता है। एंड एक और पैनल है जिसमें आपको 2.8K रेजोल्यूशन मिलता है जो कि आपको और भी शार्प इमेजेस प्रोवाइड करेंगे। एंड यहाँ पे आपको 100% sRGB विद 400 nits ऑफ ब्राइटनेस अलॉन्ग विद दैट 90Hz का पैनल मिलता है। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया के लिए जो मॉडल्स लिस्ट हुए हैं उसमें आपको सिर्फ 60Hz 2.2K रेजोल्यूशन एंड 300 nits वाला पैनल ही मिलने वाला है। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इंडिया के लिए भी 90Hz वाला पैनल लिस्ट किया होगा, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं है। एंड होपफुली फ्यूचर में शायद लेनोवो वाले 90Hz वाला पैनल इंडिया के लिए भी लिस्ट कर दे। कैमरा यहाँ पे आपको एवरेज मिलता है, HD वेबकैम है विच शूट्स एट 30 FPS, एंड IR+TUF सेंसर भी अवेलेबल है जो कि आपको विंडोज हेलो का भी सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे, यानी कि फेस अनलॉक भी आप अपने लैपटॉप में ऐड कर सकते हैं। रैम के मामले में इंटेल में आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं, 8GB एंड 16GB, दोनों ही सॉलिड है, इसे आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। वेरस जो AMD वाले मॉडल्स है उसमें आपको 16GB की रैम प्री इंस्टॉल मिलती है एंड दैट इज द ओनली मॉडल अवेलेबल। तो फिर भी ठीक है, मतलब 16GB ऑफ रैम अगर आपको मिल रही है दैट्स नाइस, 8GB ऑफ रैम लेने का कोई फायदा नहीं है इन 2021। स्टोरेज के मामले में 512GB एंड 1TB वाले दोनों ही मॉडल्स अवेलेबल है। एंड एक और अजीब सी चीज यहाँ पे जो इसका वाईफाई है, इंटेल में तो आपको वाईफाई 6 मिलता है विद ब्लूटूथ 5.1, वेरस जो AMD वाला मॉडल है स्पेशली फॉर इंडिया उसमें आपको वाईफाई 5 लिस्ट किया गया है, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल आई होप, क्योंकि 2021 में एटलीस्ट वाईफाई 6 तो होना ही था। लेट्स सी, एक बार लॉन्च हो जाने के बाद आपको और भी क्लियर इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। एंड सिमिलर टू लास्ट ईयर मॉडल इसमें भी आपको 56.54 सेल लिथियम आयन बैटरी मिलती है, 65W का फास्ट चार्जर मिलता है। इंटरेस्टिंगली इसमें आपको जो ये चार्जर है दैट कम्स विद अ टाइप सी अडैप्टर। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी वगैरह एकदम कम्प्लीटली टॉप नॉच होने वाली है। सो ये लैपटॉप्स कब तक हमें परचेस करने के लिए मिलेंगे तो उसके बारे में तो कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन फिलहाल अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल लिस्ट हो चुके हैं इंडिया के लिए, तो बहुत ही जल्द आपको ये लैपटॉप्स मिल जाएंगे। अगर आप लोग वेट कर सकते हैं 1 से 2 महीना तो डेफिनेटली आई वुड प्रीफर कि आप वेट कर लीजिए, बट कीप इन माइंड कि ये लैपटॉप्स एक्सपेंसिव रहेंगे। इनकी प्राइसिंग अराउंड 80K के आसपास रहने वाली है, चाहे AMD वाले मॉडल्स हो या फिर इंटेल वाले, जस्ट बिकॉज कि इसका जो ये डिस्प्ले है वो भी 2K रेजोल्यूशन के साथ आता है। 2K रेजोल्यूशन वाले डिस्प्ले की जरूरत थी नहीं वैसे, HD डिस्प्ले होता, 100% sRGB वाला काफी सही डिस्प्ले था वो भी। सो अगर डिस्प्ले का थोड़ा सा रेजोल्यूशन कम कर देते एंड 3-4 हज़ार रुपए प्राइसिंग कम हो जाती तो फिर भी थोड़ा सा वर्थ रहेगा। सो दैट्स ऑल दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू गाइस लाइक द वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट मी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।